Why laser hair removal is better than waxing? वैक्सिंग में ये होता है आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, स्किन थिनिंग की तरफ आ रही होती है और रिंकल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, लाफ लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं और फाइन लाइंस प्रोमिनेंट हो रही होती हैं। तो वैक्सिंग से आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है, लेटर एज में आपके ड्राई पैचेस भी आ सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल एक एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी स्किन रिजुविनेट भी होती है, आपकी स्किन अगर डिहाइड्रेटेड है तो हाइड्रेट हो जाती है, स्मूथ एंड सिल्की लुक आता है लेज़र हेयर रिमूवल से। यानी अनवांटेड हेयर भी रिड्यूस हो रहे होते हैं, अनवांटेड हेयर रिडक्शन हो रही होती है, उसके साथ साथ आपकी स्किन सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाती है, शाइनी हो जाती है। स्किन को रिजुविनेट भी करता है लेज़र। लेज़र हेयर रिमूवल में हमारे पास ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र है, सुप्रानो आइस लेज़र, वो आपकी स्किन को रिजुविनेट भी करेगा, स्किन में कोलेजन को बूस्ट भी करता है, और आपके अगर सन टैनिंग है या डिसकलरेशन है तो वो भी रिड्यूस हो जाती है विद लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। यानी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, हमारे पास सुप्रानो आइस लेज़र है जो कि ट्रिपल वेवलेंथ फॉर्म में वर्क करता है। वैक्सिंग में कोल्ड वैक्स भी होती है और हॉट वैक्स भी होती है। हॉट वैक्स हो या कोल्ड वैक्स हो, आपकी स्किन थिनिंग की तरफ जा रही होती है, आपकी थ्री स्किन की लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, तो ये तीनों लेयर पे इफ़ेक्ट हो रहा होता है, वो डैमेज हो रही होती है और आपकी ब्रेकआउट कॉज हो रहे होते हैं, और ब्रेकआउट के अलावा आपकी स्किन थिनिंग की तरफ जा रही होती है, पैचेस आ जाते हैं, ड्राई पैचेस, और किसी के बर्निंग भी हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है, उसके बाद इरिटेशन होती है, इरिटेशन के बाद वो पैचेस फॉर्म में आपके बर्न आ जाते हैं, बर्निंग स्कार्स आ जाते हैं। वैक्सिंग के काफ़ी सारे नुकसान आते हैं, इसी तरह से आपकी स्किन थिनिंग की तरफ चली जाती है और आपकी स्किन में रिंकल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं और फाइन लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और आपकी स्किन का कोलेजन भी रिड्यूस हो जाता है और इलास्टिसिटी रिड्यूस हो रही होती है। अब वैक्सिंग का ये होता है कि 15 डेज में लोग एक दफ़ा करवाते हैं या मंथ में एक दफ़ा, और इसी तरह मिनिमम सेशंस अगर लेज़र के लिए जाएं तो 80-90% रिडक्शन हो जाती है अनवांटेड हेयर की। उसके बाद मेंटेनेंस होती है वंस इन 6 मंथ्स, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है बनिस्बत उसके के मंथली आप जाएं और वैक्सिंग करवाएं, थ्रेडिंग करवाएं, या 15 डेज में जाके आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग करवाएं। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ आएं और लेज़र हेयर रिमूवल से फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोग वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवा के वंस इन 15 डेज या वंस इन अ मंथ करवा के थक गए हैं और परेशान हैं अपने अनवांटेड हेयर से, तो अनवांटेड हेयर के रिडक्शन के लिए आप एडवांस टेक्नोलॉजी लेज़र हेयर रिमूवल करवाना चाहते हैं, तो आप लोग हैश क्लिनिक्स विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ फेस हो रहे हैं आपको, तब भी आप हैश क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।